नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल स्टार्टअप विद विशाल में आप सभी का स्वागत है। सो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं IRCTC के ऊपर, जिसकी ओर से यहाँ पे हम लोगों को एक बड़ी अपडेट यहाँ पे देखने को मिल जा रही है, उसी को यहाँ पे हम लोग कवर करने वाले हैं। देखा जाए तो उस अपडेट को जब आप लोग यहाँ पे देख लेंगे तो आप भी यहाँ पे बोलेंगे कि इन फ्यूचर में इस कंपनी में एक बड़ा धमाका आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। देन वहीं पे अभी प्रेजेंट टाइम में देखा जाए तो इस कंपनी में एक अच्छी रैली यहाँ पे हम लोगों को देखने को मिल रही है। सो वो जो रैली है दोस्तों, वो अभी हम लोगों को रुकते हुए देखने को नहीं मिलने वाली है। देन वहीं पर अगर आप लोग इस कंपनी को बाय करना चाहते हैं तो मौका हर वक्त रहता है दोस्तों। अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो कभी भी किसी भी मोड़ पर किसी भी कंपनी को यहाँ पे बाय कर सकते हैं, जब भी आपके वहाँ पे इच्छा हो। एंड अगर वहाँ पे आप लोग गिरावट का इंतजार कर रहे हैं तो जब भी कंपनी ये हमारी IRCTC आपको गिरावट में मिले तो वैसे ही आप लोगों को उस मौके को एक अच्छे प्रॉफिट में भुनाना जरूर चाहिए। तो चलिए सीधा चलते हैं कंपनी के ऊपर। सो दोस्तों, अभी अभी यहाँ पर अपने कंपनी के ऊपर आ गए हैं, जिसमें आप देख सकते हैं कि आज भी आप लोगों को इस कंपनी में करीब 3% के आसपास रैली देखने को मिली है। लेकिन अगर आप इस कंपनी का चार्ट देखेंगे तो यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिलेगा कि मॉर्निंग के वक्त इस कंपनी में करीब करीब 6% की रैली यहाँ पर हम लोगों को देखने को मिल चुकी थी। उसके बाद से इसमें थोड़ा सा हम बोल सकते हैं कि मार्केट डाउन होने के कारण इसमें भी थोड़ी सी गिरावट हम लोगों को देखने को मिली है। एंड देखा जाए तो इस कंपनी में रैली हम लोगों को कब से ज़्यादा देखने को मिली है, अगर उसकी यहाँ पे हम लोग बातें करें तो जब से यहाँ पे इस कंपनी ने यहाँ पे स्टॉक स्प्लिट की यहाँ पे घोषणा की थी कि कंपनी यहाँ पे स्प्लिट देने वाली है अपने शेयर होल्डर्स को। एंड उस डेट की अगर हम लोग बातें करें तो अगस्त में उन्होंने यहाँ पे ऐसा बोला था। तो अगस्त से अगर हम यहाँ पे अपने कंपनी को यहाँ से देखें रिटर्न्स, तो आप देख सकते हैं कि मात्र 1.5 महीने में जो रिटर्न्स इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को दी है वो आप देख सकते हैं कि करीब 60% के आसपास यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिल जा रहा है, जो कि एक अच्छी बात है। देखा जाए तो ये 6 महीने का जो चार्ट हम लोग देख रहे हैं उसमें ही पूरी रैली देखने को मिली है। लेकिन जो रैली मेन यहाँ पर हम लोगों को इस कंपनी में IRCTC में देखने को मिली है, उसके पीछे की अगर जो मेन वजह अगर आप यहाँ पर ढूंढेंगे तो वो है स्प्लिट की न्यूज़। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर स्प्लिट के न्यूज़ के कारण ही इस कंपनी में एक बड़ी रैली यहाँ पर हम लोगों को देखने को मिल चुकी है। उसके बाद यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो कोविड का रिस्ट्रिक्शन था धीरे धीरे यहाँ पे हम लोगों को खत्म होते हुए देखने को मिल जा रहा है। एंड यहाँ पे जो ट्रेन है दोस्तों, उसकी अगर यहाँ पे हम लोग बातें करें तो धीरे धीरे सभी ट्रेन यहाँ पे हम लोगों को ओपन होते हुए देखने को मिल रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को सुनने को मिला होगा दोस्तों कि यहाँ पे इंडियन रेलवे की अगर हम लोग यहाँ पे बातें करें तो यहाँ पे कुछ स्पेशल ट्रेन्स की भी यहाँ पे शुरुआत की गई थी। उसके बाद यहाँ पे इस कंपनी में आप लोगों को रैली देखने को मिली थी। उसके बाद भी इसी तरह की न्यूज़ लगातार यहाँ पर हम लोगों को देखने को मिली थी, जिससे कि इस कंपनी में मतलब हम बोल सकते हैं कि कोई भी न्यूज़ आ रही थी इस कंपनी में एक रैली हम लोगों को देखने को मिल जा रही थी। एंड देखा जाए प्रेजेंट टाइम में एक और न्यूज़ यहाँ पर हम लोगों को देखने को मिल रही है, जिसकी इम्पैक्ट की अगर यहाँ पर हम लोग करें दोस्तों, जो ये जो आप लोगों को यहाँ पे प्रेजेंट टाइम में इस कंपनी से रिलेटेड जो न्यूज़ देखने को मिल रही थी उसका जो असर होगा वो क्वार्टरली बेसिस पे एंड जब रिजल्ट यहाँ पे आप लोगों को देखने को इसका मिलेगा उस टाइम आप लोगों को यहाँ पे मालूम चलेगा कि इस न्यूज़ का असल में इम्पैक्ट कब पड़ता है। ठीक है, तो जब यहाँ पर रिजल्ट आएंगे तो आप यहाँ पर देखने को मिलेगा कि इनका जो रेवेन्यू है वो आप लोगों को बढ़ते हुए देखने को मिलेगा, देन वहाँ पे प्रॉफिट भी आप लोगों को बढ़ते हुए देखने को मिल जाएगा। सो असल में जो न्यूज़ का इम्पैक्ट होता है वो क्वार्टरली रिजल्ट के ऊपर एंड देन वहीं पे ईयरली रिजल्ट के ऊपर आप लोगों को देखने को मिल जाता है। सो प्रेजेंट टाइम में जो न्यूज़ यहाँ पर हम लोगों को देखने को मिल रही है, अगर उसकी यहाँ पर हम लोग बातें करें दोस्तों, यहाँ पर फिलहाल हम लोग न्यूज़ के ऊपर आ गए हैं, जिसमें आप देख सकते हैं कि हमारी जो कंपनी है IRCTC वो यहाँ पे देखिए क्या चीज़ ओपन कर रही है। न्यू वर्ल्ड क्लास एग्जीक्यूटिव लाउंज यहाँ पे ओपन कर रही है, जो कि आप देख सकते हैं कि न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन पर ये चीज़ें यहाँ पर हम लोगों को देखने को मिल जा रही है, जो कि आप लोग यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर अगर यहाँ पर आप लोग जाओगे एंड फर्स्ट फ्लोर पर जाओगे तो वहाँ पे ये लॉन्च आप लोगों को देखने को मिल जाएगी। एंड अगर इस लॉन्च की यहाँ पे हम लोग बातें करें तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि स्पीकिंग अबाउट द न्यू लॉन्च IRCTC प्रो आनंद कुमार झा टोल्ड ANI, देखिए यहाँ पे जो आनंद कुमार झा जी हैं दोस्तों, उन्होंने ANI से बातचीत में यहाँ पे कहा है कि यह जो लॉन्च यहाँ पे ओपन ये लोग कर रहे हैं उसमें देखा जाए तो इनका जो एम्स है वो हर तरह के मतलब जो सर्विसेस है इस कंपनी की उसको यहाँ पे प्रोवाइड करने की यहाँ पे
चीज़ें देखने को मिल जा रही है, जिससे कि जो पैसेंजर्स रहेंगे दोस्तों उसकी अगर यहाँ पे हम लोग बातें करें तो उनको थोड़ा कंफर्टेबल फील हो, इस वजह से यहाँ पे ये चीज़ें हम लोगों को देखने को मिल जा रही है। एंड यहाँ पे आगे देख सकते हैं कि उन्होंने बताया है कि यह जो लॉन्च हम लोगों को देखने को मिल रहा है वो जिस तरह का एयरपोर्ट पर लॉन्च आप लोगों को देखने को मिलता है, सेम उसी टाइप का यहाँ पे ये जो लॉन्च है उसको यहाँ पे डिज़ाइन किया गया है, जिससे कि आपको मतलब और भी यहाँ पे कंफर्टेबल फील हो। एंड यहाँ पे अगर आप लोग गाड़ियों की वेटिंग कर रहे हैं दोस्तों, अगर यहाँ पे हम लोग बातें करें तो आप लोगों को वहाँ पे अच्छा लगेगा, इस तरह से मतलब इसी तरह की सोच के साथ यहाँ पे इन्होंने ये चीज़ें यहाँ पे हम लोगों को देखने को मिल जा रही है। देन वहीं पे अगर आप उस लॉन्च की यहाँ पे हम लोग बातें करें तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि उसमें जो फैसिलिटीज़ मिलेंगी, अगर यहाँ पे हम लोग बातें करें जो ऑफरिंग यहाँ पे हम लोगों को लॉन्च में देखने को मिल जा रही है वो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे चैनल म्यूजिक, वाईफाई, टेलीविज़न, ट्रेन इंफॉर्मेशन डिस्प्ले, उसके बाद वेरियस टाइप्स ऑफ बेवरेजेस, मल्टी क्यूजिन बफेट्स, ये सभी हम देख कह सकते हैं कि उसमें ये सभी चीज़ें आप लोगों को उस लॉन्च में यहाँ पे जो सर्विसेज है वो देखने को मिलेंगे, जो कि पेड में यहाँ पे हम लोगों को देखने को मिल जा रही है। देन वहीं पे अगर दोस्तों अगर हम लोग देखा जाए तो कुछ और सुविधा भी हमें देखने को मिलेगा, जैसे कि आप देख सकते हैं कि रिक्लीनर्स, स्पेसिकस लगेज रैक्स, रेस्ट रूम्स विथ वॉश एंड चेंज फैसिलिटीज, सुसाइनर्स, न्यूज़पेपर्स एंड मैगजीन ऑन डिस्प्ले, तो ये आप देख सकते हैं कि इस तरह की भी ये सभी फैसिलिटीज़ भी जो है उसमें ही आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिलने वाली है। उसके अलावा और भी देख सकते हैं कि यहाँ पे उसमें फैसिलिटीज़ आप लोगों को इसमें जो लॉन्च है उसमें आप लोगों को देखने को मिलने वाली है। जैसा कि यहाँ पे पेड की बातें हुई थी तो आप देख सकते हैं कि अगर आप लोग को वहाँ पे उस लॉन्च में रुकना हो तो दोस्तों तो जो पैसेंजर वहाँ पे रुकना चाहेंगे तो उसके लिए 150 रुपया प्लस टैक्स की यहाँ पे बातें की जा रही है, जो कि ये भी आप देख सकते हैं कि एक घंटे मतलब देखिए आप फर्स्ट आवर्स की यहाँ पे बात हुई है, मतलब अगर आप फर्स्ट टाइम एंट्री करेंगे तो आपको 150 रुपया और प्लस टैक्स यहाँ पे देना होगा। उसके बाद अगर आप वहाँ पे जो एक घंटा बीतने के बाद भी वहाँ पे आप लोग रुके रहते हैं तो उसके लिए आप लोगों को उसके बाद 150 रुपये ना पे करके 99 रुपये यहाँ पे करना होगा। उसके अलावा जितना भी घंटा मतलब जितनी भी देर वहाँ पे आप लोग रहेंगे उसके लिए ये चीज़ें यहाँ पे हम लोगों को देखने को मिल जा रही है। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो लॉन्च यहाँ पे हम लोगों को देखने को मिल रहा है वो देख सकते हैं कि 24/7 मतलब 24 घंटे एंड 7 दिन ये चीज़ें ओपन आप लोगों को देखने को मिलने वाली है। एंड इनकी जो सर्विसेस रहेंगी वो आप लोगों को वहाँ पे मिलते हुए देखने को मिल जाएगी। तो देखा जाए तो ये जो न्यूज़ है वो भी काफ़ी शानदार यहाँ पे हम लोगों को देखने को मिल जा रही है। एंड जैसा कि मैंने यहाँ पे बोला दोस्तों कि इसका जो इम्पैक्ट होगा आप लोगों को रेवेन्यू में एंड प्रॉफिट में साफ साफ देखने को मिलेगा, क्योंकि इस लॉन्च का यूज बहुत सारे लोग यहाँ पे करेंगे ही करेंगे, क्योंकि यहाँ पे देखा जाए तो इसमें कई सारी सुविधाएं आप लोगों को देखने को मिल जा रही है। तो अगर आप लोगों को वहाँ पे वेटिंग में अगर रहेंगे, मान लीजिए गाड़ी लेट हो रही है या कुछ भी हो रहा है, तो बहुत सारे ऐसे जो पैसेंजर्स होंगे दोस्तों वो आराम से उस लॉन्च में जाएंगे। एंड 150 रुपया देखा जाए तो बहुत सारे लोगों के लिए कुछ नहीं होता है, तो आराम से वो लोग पे भी कर सकते हैं, कोई भी दो राय नहीं है। तो अगर ऐसा चीज़ें मतलब ये जो सुविधा है यहाँ पे IRCTC दे रही है, अगर इसका यूज होता है तो जाहिर सी बात है इनका जो रेवेन्यू है एंड जो प्रॉफिट है वो हम लोगों को रिजल्ट के समय अच्छा ही देखने को मिलने वाला है। सो इसीलिए दोस्तों मैं यहाँ पे आपसे बोल रहा था कि इस कंपनी को जब भी आप लोगों को यहाँ पे बाय करने का मौका मिले तो आप बाय कर सकते हैं। अगर आप इसके गिरावट का इंतज़ार कर रहे हैं तो इंतज़ार कीजिएगा, गिरावट भी ज़रूर से देखने को मिलेंगे। ऐसी कोई भी कंपनी नहीं होती है जो हमेशा से भागती हुई ही देखने को मिले। दिन वहीं पर अगर इस कंपनी के मैक्सिमम रिटर्न्स की बातें करो तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यह कंपनी 19 से देखने को मिल रही है, मतलब 2 साल अभी यहाँ पर इस कंपनी को नहीं हुआ, क्योंकि आप देखिए अक्टूबर की यहाँ पर चीज़ें एंड अभी सितंबर चल रहा है, तो वहाँ पर रिटर्न देख सकते हैं कि 400% का रिटर्न यहाँ पे हम लोगों को देखने को मिल जा रहा है। उसी के साथ साथ इस कंपनी की अगर यहाँ पे हम लोग बातें करें तो आप लोगों को यहाँ पे मालूम होगा कि यह एक मोनोपोली कंपनी यहाँ पे हम लोगों को देखने को मिल जाती है, जो कि एक और अच्छी बात है। सो यहाँ पे इस कंपनी से रिलेटेड जो अपडेट थी, जो न्यूज़ थी, वो मैंने आपको बता दी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।